तो अभी मेरे साथ यहाँ पर एक स्टूडेंट मौजूद हैं जो इस लाइब्रेरी में स्टडी के लिए आते हैं। इनसे पूछेंगे क्या क्या इनको दिक्कतें यहाँ पर आ रही हैं। तो बताइए क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम धीरज कुमार है और मैं बेसिकली भदरवा का भी रहने वाला हूँ, इधर कंसर गांव करके। तो मैं यहाँ कंसर से इधर आता हूँ पढ़ने। तो सर, इधर जो हमें मेन जो परेशानी आती है वो सबसे पहले तो हीटिंग की है। इधर हीटिंग का कोई अरेंजमेंट नहीं है। उसके बाद हमारे पास इधर चेयर्स नहीं है। जो चेयर्स दी गई हमें हमें वो प्लास्टिक की है। तो प्लास्टिक की चेयर पे सर बैठना बहुत मुश्किल है। और जो बाकी तो यही है, चार्जिंग पॉइंट्स नहीं है, इधर फर्नीचर नहीं है, मतलब कुछ नहीं है सर। बेसिक ऐसे इतना दूर से आना पढ़ने के लिए और फिर भी हमें इधर बैठने के लिए अच्छा कुछ नहीं है सर। जिस वक्त लाइब्रेरी स्टार्ट हुई थी तो यहाँ पर जो हमारे जो कुछ ऑफिसर भी आए थे, डोडा से आए थे, उनने ये कहा था कुछ ही दिनों में हम यहाँ पर फर्नीचर दे देंगे, वाईफाई दे देंगे, बुखारियाँ दे देंगे। क्या मिला है आपको तब से? सर बिल्कुल, हमारे जो चीफ आए थे, ऑफिसर आए थे इधर डोडा से, तो उन्होंने हमें अश्योर किया था कि ये हमें फर्नीचर देंगे, वाईफाई, और बेसिकली जो इनकी इन्होंने हमें अश्योर किया था उसमें से हमें एक वाईफाई मिला। वाईफाई तो एनजीओ ने लगाया ना यहाँ पर। तो बस सर, और बाकी जो इन्होंने अश्योरेंस दी थी वो बाकी हमें कुछ नहीं मिला इनकी तरफ से। अच्छा, तो अभी आपकी क्या डिमांड है? आप यहाँ पर पढ़ने आते हैं, किन किन चीजों की आपको नीड है? सर, हम इतनी दूर से पढ़ने आते हैं तो सबसे पहले हमें जो अभी ये मौसम आपको पता ही है, विंटर्स का चल रहा है, बहुत सर्दी है, ऐसे बैठा नहीं जाते, इधर हीटिंग के अरेंजमेंट्स होने चाहिए। दूसरी, हमें चेयर्स अवेलेबल करवाई जाए जो कि प्लास्टिक की ना हो, क्योंकि सर प्लास्टिक में जो है तो प्लास्टिक में बैठना नहीं बनता है, और खासकर इस ठंड में। और हमें चार्जिंग पॉइंट्स नहीं है, और जो फर्नीचर वगैरह इसका अरेंजमेंट करवाया जाए, अगर गवर्नमेंट ये करती है तो बहुत अच्छा है। बाकी तो ऐसे सर इन्होंने कुछ किया नहीं, अश्योरेंस तो बहुत की, तो ठीक।